नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ और संविधान चौक में आज संविधान दिन के उपलक्ष में आप देख सकते हैं उपासक उपासिकाएं यहाँ पे आए हैं, भंते जी भी आए हैं। ज्ञान ज्योति भंते जी हमारे साथ में हैं। भंते जी, क्या कहोगे आज के इस शुभ दिन के अवसर पर आप? यह केवल शुभ दिन ही नहीं है, इसको केवल शुभ दिन ही नहीं माना जाता। एक तो अंधेरे से प्रकाश की ओर चलने का जिसने मार्ग बताया कि इस रास्ते से चले तो एक इंसान दूसरे इंसान से इंसानियत को जैसे शोभा दे, ऐसे जीने का तरीका आ जाए, उस व्यवहार में वह तरीका प्रत्यक्ष उतरे, तो एक आदमी है मनुष्य करके जन्म हुआ, लेकिन मनुष्य करके जीना है ना, कैसे जीना है, किस नियमों के आधार पर जीना है, जिस नियमों के आधार पर जीना है वो मनुष्य कैसे निर्भर, उस नियमों के आधार पर निर्भरता होकर के जिए, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करे, यह जीवन, यह केवल स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा, यह चार मानवीय मूल्यों का यह समूल्य है ना, जो मानवीय मूल्यों का जोखा झोंका है, जो समतामूलक समाज निर्माण करने वाली यह जीवन पद्धति, इसे ही जनतंत्र कहा गया है। बाबा साहब ने मनुस्मृति जला करके, पुराना कानून जला करके भगवान बुद्ध का कानून इस देश को लागू किया, तो और इस देश की जनता को ही नहीं, केवल पूरे विश्व को, दुनिया को 26 नवंबर 1949 को इस देश को यह संविधान बहाल किया। यह संविधान बहाल करते हुए उन्होंने ये कहा, वह आखिर में अभी तो चिंगारी लगी है, पता नहीं अगर राज करने वाले लोग लायक होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, संविधान कितना भी अच्छा होगा, लेकिन उसका अमल करने वाले लोग अगर नहीं मिलेंगे तो संविधान का दोष नहीं है, अमल करने वालों का दोष है। हाल ये 2014 से जो साम्राज्यशाही, पूंजीशाही, भंडवलशाही और ब्राह्मी शाही का प्रतिनिधित्व करने वाला वह शेंडी वाले लोग, यह जानवे वाले लोग यह सत्ता पर आकर बैठे, वो ईवीएम लेकर के आके बैठे, जो कि मानवीय मूल्यों की स्थापित करने का भी राजा का पुत्र राजा नहीं हो सकता, यह संविधान से यह मत बैठी के तो एक मत, एक व्यक्ति, एक मूल्य, इस तरह लोगों को तो यह अधिकार प्राप्त करने के लिए खून बहाना पड़ा, लेकिन बाबा साहब यह ऐसी हैसियत है इस देश के लोगों के, नागरिकों को यह एहसास केवल मुंह में घास केवल देने का बाकी बचा रखा आपको, है। आपको ये कहना है क्या कि ईवीएम के कारण लोकतंत्र धोखे में है? हाँ, जल्दी वो सब अमेरिका हो, यूरोप हो, अब जो प्रगतिशील देश है उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया है, जो थोड़े से क्षण के लिए वो अंधकार होता है ना, उसमें चोरी होती है मतदान, जो मत का, हमारे वोट का, वहाँ यहाँ पर अधिकार यह गौण हो जाता है, अधिकार छीन लिया जाता है। अब कहीं पर भी वहाँ बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं अपना कोड डाल देते हैं, कहीं पर भी बटन दबाए कमल के फूल पर। अब ये गडकरी जी का यही हाल हुआ ना, अब गडकरी के खिलाफ में 2024 में आप खड़े, अब कोई खड़े करने वाले हैं कि नहीं है, ये सवाल सीधा सीधा है कि 2024 को अगर बाबा साहब के मानने वाले जो लोग हैं यहाँ नागरिक अगर जागरूक होते, ईवीएम कल ही रास्ते पर उतरते हैं, इस 26 नवंबर इस संविधान के दिवस के आधार पर, इसकी सुरक्षा भी, संविधान की सुरक्षा मैं कहना चाहूँगा कि अम्बेडकरवादी जो है वो इकट्ठा नहीं है, क्या आपको लगता नहीं इस संविधान दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने इकट्ठा आने की आवश्यकता है? है सभी ने, जो संविधान को मानने वाले, जो सारी शक्तियाँ, प्रगति शक्तियाँ हैं, हम अभी ऐसी अपेक्षा नहीं कर सके सारे एक जगह आ जाएंगे, लेकिन जो प्रगतिशील शक्तियाँ हैं वो मिक्स गवर्नमेंट कम से कम 24 को आ जाएगा तो कम से कम इस संविधान की सुरक्षा कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। हमने आज इस संविधान चौक पे देखा कि अपना अपना झंडा लेकर, अपने अपने पक्ष का झंडा लेकर यहाँ पे आए, अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक ही झंडा अगर लेकर अगर यहाँ आते तो ये चित्र कुछ अलग रहता है, क्या आपको लगता नहीं ये चिंता की बात है? हाँ, तो चिंता की बात है, वो क्षण आने वाला है, रिपब्लिकन पार्टी और जोरों से जोर पकड़ने वाली है, जो भी इतना जोर पकड़ेगी सभी पार्टियां फेल हो जाएगी, एक क्षण आने वाला है वो। अभी ये नई जनरेशन है ना, नई जनरेशन वो सॉफ्टवेयर अभी तय कर रही है, ताकि आने वाले ये समता सैनिक दल हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो,
तीनों संगठन अभी एकत्र आ रहे हैं धीरे धीरे। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है कि संविधान धोखे में, क्या लगता आपको? केवल धोखे में नहीं है, सभी जड़ से बदला रहा है। आज अभी यहाँ गडकरी और वो देवेंद्र यहाँ पर नजदीक होते हुए दीक्षा भूमि पर पाबंदी एकदम अधिकार जो बिता रहे हैं, बजा रहे, जो दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है उनके हाथों में दीक्षा भूमि चली जा रही है। ये इतनी बात नहीं है, क्योंकि हावी हो रहा है ब्राह्मीणवाद, इतना हावी हो रहा है, और ये हिंदू के नाम पर इस देश का नाम इंडिया हो करके, इंडिया दैट मीन्स भारत, हमको भी भारत बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान बार बार बोल करके जो यमन लोगों ने, बाहरी मुस्लिम राजकर्ताओं ने जो गाली दी थी, जो यहाँ जो आर्य समाज के संस्थापक जो दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी अपनी सत्यार्थ प्रकाश इस किताब में लिखा है कि हिंदू यह शब्द मुस्लिम राजकर्ताओं ने हमको गाली के रूप में, यह हिंदू का मतलब है गुलाम, दास, काला, लुच्चा, लफंगा, चोर, इस तरह चोरों का देश, चोरों का गुलाम का देश, दासों का, कालों का देश, तो भले लेकिन ब्राह्मीणवादी इतने चलाक है, होशियार है, अपने ब्राह्मीण धर्म का नाम वह हिंदू धर्म कर दिया। क्या लगता आपको कि लोकशाही है अभी देश में? नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि वो जड़ों को हिलाए, घटना के सोते 3700 3839 इस कलम के आधार पर वो सब जो चारों चोर गुजरात से आए हुए हैं, जो या मोदी हो, शाह हो, अडानी हो, अंबानी हो, ये लूटने के लिए आए हो, तो इनके लिए सारा उनको बेच रहा है इस देश का प्राइम मिनिस्टर, तो इस देश के प्राइम मिनिस्टर जब देश को बेचने वाला है, चोर लोग है, तो इन चोरों को 2024 में हमारी सत्ता आएगी ना, तो हम उनको काले पानी पर भेज देंगे राष्ट्रद्रोह का कलम लगा करके। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आज संविधान दिन के इस पावन पर्व पर आप संविधान चौक पे आए हैं, क्या संदेश देना चाहोगे देश की जनता को? आप उथल पुथल करे, जो 2014 से ब्राह्मीणवादी सत्ता ईवीएम के माध्यम से सत्ता पर आ गए, ईवीएम बचाओ, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ, इस तरीके के स्लोगन से रस्ते पर लोग उतरेंगे, खून का एक भी बूंद न बहाते हुए, जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, यह मानवीय मूल्यों के आधार पर यह लोकशाही का जो अमल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और सारा तहस नहस 2024 को मिक्स गवर्नमेंट आएगा, प्रगतिशील लोगों की सरकार आएगी, ब्राह्मीणवादी अभी इनको सब काले पानी पर भेज देंगे, यह हाल होने वाला है। भिक्कू संघ भी हम देखा जा रहा है कि भिक्कू संघ में भी एक नहीं है, एक संघ करने के लिए आप क्या प्रयास करोगे? एक संघ की बात नहीं हो रही है, वो पूरा जो परिशुद्धि और परिपूर्णता की बात हो रही है अभी, और आने वाले दिन ये प्रज्ञा युग चल रहा है, भिक्षु संघ भी सारे टुकड़ों में जो बचा हुआ है ना, वो परिशुद्धि और परिपूर्णता के आधार पर इकट्ठा आने वाला है, उनको तो आने ही वाला है, वो उसको यह परिशुद्धि और परिपूर्णता की ओर ले जाने के लिए बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, अभी 2 साल में ही आपको रिजल्ट आने वाला है। निश्चित ही बहुत अच्छी बात इस संविधान दिन के पर्व पर ज्ञान ज्योति भंते जी ने हमें बताई है। संविधान चौक पे वो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनका एक ही कहना है कि अगर देश को अगर बचाना है तो ईवीएम को हमें हटाना पड़ेगा और सभी देशवासियों को इकट्ठा आना पड़ेगा, और ये जो देश चल रहा है ये संविधान के मार्ग पे चल रहा है, ये लोकशाही है, और लोकशाही में ये जो ईवीएम है वो हमें घातक है, बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए, ऐसी हमें संदेश आज संविधान दिन के पर्व पर ज्ञान ज्योति भंते जी ने हमें दिया है। तो आप देखते रहिए आईबीएम टीवी 9 न्यूज, WH न्यूज, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आईकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर।